Hi, मैं हूँ ऋषभ कक्कड़ और आप देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रेंथ वीडियो। How would you determine the standard electrode potential of magnesium plus 2 से मैग्नीशियम। यहाँ पर जो मार्क करने वाली चीजें हैं गाइस, वो है एक तो वर्ड ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे को निकालना है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ऐसे चीज से उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेरे पास एक मेरी वैल्यू ऐसी होती है जिसके रिस्पेक्ट में मैं सारी वैल्यूज निकालता हूँ। सारी वैल्यूज निकालने का मतलब है चाहे यहाँ पर मैग्नीशियम आए, जिंक आए, कॉपर आए, कुछ भी एलिमेंट आए, मेरे को किसके रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, सिंपल हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जब मैंने स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कंडीशन एसटीडी पे है, यानी कि टेम्परेचर मेरा 298 केल्विन है और प्रेशर मेरा 1 ppm है, साथ में कंसेंट्रेशन मेरी 1 मोलर है। 1 मोलर ही Mg+2 के सॉल्यूशन में इसका कंसेंट्रेशन होगा और 1 मोलर ही यहाँ पे H+ ions का कंसेंट्रेशन होगा। क्लियरली इन सब कंडीशन के बाद आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे मैं कंसिडर करूँगा SHE, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, साथ ही राइट साइड पे मैं मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड को डिप कर दूंगा Mg+2 के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। क्लियरली यहाँ पर जब मैं ऐसा कनेक्ट करूंगा तो कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने से ये वोल्ट मीटर डिफ्लेक्ट होगा और इस डिफ्लेक्शन से मुझे पता लगेगा मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरफ है। जैसे ही मुझे ये पता लगेगा फ्लो ऑफ क्लियर सी बात है यहाँ पर, अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताऊँ यहाँ पर गाइस, मैग्नीशियम टू जा रहा है हाइड्रोजन, मैग्नीशियम टू हाइड्रोजन जा रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इसका मतलब ये है, हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है कि जाता है NO2 कैथोड जाता है। तो क्लियरली यहाँ पर पता लग गया कि मैग्नीशियम क्या है, एनोड है, और कैथोड क्या है, मेरे पास हाइड्रोजन है। तो गाइज मेरे को यहाँ पे इस चीज़ से क्लियर हो गया, इसके डिफ्लेक्शन से इलेक्ट्रॉन के फ्लो के करंट से मुझे ये पता लग गया इलेक्ट्रॉन के फ्लो से कि NO2 कैथोड मेरा इसका जो आएगा वो डिफ्लेक्शन आएगा। अब अगर मेरे को एक सेल रिप्रेजेंटेशन बनानी हो तो सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से बनाऊंगा गाइज, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे इसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर है, इसका कंसेंट्रेशन भी 1 मोलर है, H2 गैस है, 1 ppm प्रेशर में मान के चल रहा था, और यहाँ पर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है तो कॉमा डाल के मुझे यहाँ पर प्लैटिनम लिखना पड़ेगा। ये हो गई इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। एक तरीका और है गाइस जिससे हम लोग डायरेक्ट ही पता कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से तो हम लोगों ने एक्चुअल वैल्यूज निकाली हैं। अगर हमको ओरल आंसर देना हो तो क्लियरली मैं प्रेफर करूँगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर मैग्नीशियम ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है, क्लियरली पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती हैं और उसी का रिडक्शन होगा, इसीलिए वो चीज कैथोड पर होगी। अगर मैं बात करूं मुझको पता कैसे लगा हाइड्रोजन कैथोड पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सारी वैल्यूज आई कहां से हैं, एसएचई के एक्सपेरिमेंट से आई हैं। तो ये हो गया मेरा बिल्कुल प्योर बेसिक और ये हो गया मुझे ओरल आंसर देने के लिए आंसर। तो गाइस आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपका